दोस्तों आप सभी ने आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाजों को तो कई बार देखा होगा और आप में से कई लोगों ने हवाई जहाज में सफर भी किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्टर प्लेन कैसे होते हैं, चार्टर प्लेन की कीमत कितनी होती है, इसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं होती है और क्या हम इसे अपनी गाड़ी की तरह कहीं भी ले जा सकते हैं, इनमें सफर करना कैसे होता है और इसमें कितना खर्चा आता है। आई नो आप में से काफी लोगों ने चार्टर प्लेन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन चार्टर प्लेन के बारे में सुनते ही वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि चार्टर प्लेन शायद थोड़ा अलग होता है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहे, इस वीडियो में आपको चार्टर प्लेन से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आपने कई लोगों को ये कहते सुनते जरूर देखा होगा कि अमीर इतना होना है कि खुद का चार्टर प्लेन हो। कई बड़ी बड़ी हस्तियां और सेलिब्रिटी की चार्टर फ्लाइट की फोटो देख लोग सोचते कि वाह क्या लाइफ है इनकी, और काश हम भी कभी इस तरह प्लेन में सफर कर पाते। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या प्राइवेट जेट और चार्टर फ्लाइट एक ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट जेट और चार्टर फ्लाइट एक ही होती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राइवेट जेट में 8 से 18 सीटें होती है, लेकिन चार्टर फ्लाइट में 8 सीटें प्राइवेट जेट या फिर 180 सीटों वाली एयरलाइनर भी हो सकती है। और साथ ही आपको बता दूं कि चार्टर फ्लाइट किराए पर भी ली गई हो सकती है और जो रेगुलर रूटिंग के लिए शेड्यूल नहीं होती है। आसान शब्दों में कहें तो जब पूरे प्लेन को ही किराए पर दिया जाता हो तो उसे ही चार्टर फ्लाइट कहा जाता है। और ये चार्टर फ्लाइट कई तरह के होते हैं। चार्टर फ्लाइट जनरली किसी टूर, ग्रुप ट्रेवल या किसी खास इवेंट पर जाने के लिए यूज होते हैं, और जबकि प्राइवेट जेट पर किसी कंपनी या व्यक्ति का पूरा कंट्रोल होता है। अब एक सवाल आता है कि कमर्शियल फ्लाइट की तुलना में इन फ्लाइट्स पर कितना खर्चा होता है। दोस्तों कमर्शियल फ्लाइट की तुलना में इन पर काफी ज्यादा खर्चा होता है। अगर कोई एक सेकेंड हैंड प्राइवेट जेट खरीदता है तो उसे $30 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और हैवी जेट के मामले में ये खर्च $50 लाख तक पहुंच सकता है। हालांकि कम से कम ₹1.5 लाख प्रति घंटे के हिसाब से कोई भी प्राइवेट जेट किराए पर लिया जा सकता है। इसकी कीमत जरूरत और जेट के हिसाब से चुकानी पड़ती है और इनका किराया घंटों के हिसाब से ही लिया जाता है। अगर आप दिल्ली से मुंबई के बीच कमर्शियल प्लेन के बिजनेस क्लास में सफर करते हैं तो इसके लिए आपको ₹1 लाख तक खर्च करने होंगे, लेकिन वहीं अगर आप किसी प्राइवेट जेट में सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम ₹10 लाख खर्च करने होंगे। हालांकि प्राइवेट जेट का खर्च कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी, एयरपोर्ट की लैंडिंग फीस और फ्लाइट के समय पर। क्या चार्टर फ्लाइट से कहीं भी और कभी भी उड़ान भरी जा सकती है? दोस्तों अगर फ्लाइट में सभी लोग भारतीय हैं तो उड़ान भरने की प्रोसेस काफी आसान हो जाती है, और सिविल या डिफेंस एयरपोर्ट के लिए इन फ्लाइटों को 2-3 घंटों के अंदर उड़ान भरने के लिए तैयार कर लिया जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई विदेशी व्यक्ति है तो फिर इसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, और इसकी परमिशन लेने की प्रोसेस में 1 से 7 दिन तक का समय लग जाता है। इसमें आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? तो आपको बता दूं कि इसकी एक सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें आपको प्राइवेसी मिलती है, यानी कि इसमें आप और आपका ग्रुप ही ट्रेवल करता है, और इसके लिए आपको ना ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है और ना ही चेक इन बैगेज की लिमिट की झंझट होती है। और कई जगहों पर तो प्राइवेट फ्लाइट के लिए टर्मिनल भी अलग होते हैं, और इसमें आप अपने पेट्स को भी साथ में ले जा सकते हैं। प्राइवेट जेट में आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, और एक ही दिन में जब कई जगहों पर जाना हो तो भी इसे ट्रेवल करना आसान हो जाता है। इसमें आप अपने शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट की टाइमिंग तय कर सकते हैं, बस आपको टेक ऑफ से कुछ समय पहले ही एयरपोर्ट पहुंचना होता है। दोस्तों इसके इंटीरियर को बहुत ही लग्जरी और आरामदायक बनाया जाता है, और साथ ही प्राइवेट जेट में मनपसंद खाने की भी चॉइस होती है। किराए पर प्राइवेट जेट या चार्टर फ्लाइट की सुविधा देने वाली कंपनियां अपने क्लाइंट की पूरी जानकारी बेहद प्राइवेट रखती हैं, और उनकी कंपनी में बस कुछ ही लोगों को ये पता होता है कि कौन सी फ्लाइट में कौन ट्रेवल कर रहा है। क्या इन फ्लाइट्स में अल्कोहल या फिर शराब दी जाती है? तो आपको बता दूं कि DGCA की गाइडलाइंस के अनुसार जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है उनमें अल्कोहल कभी भी सर्व नहीं किया जा सकता है, और यही नियम प्राइवेट जेट पर भी लागू होता है। लेकिन एयरक्राफ्ट और क्लाइंट के आधार पर खाने की कई तरह की वैरायटीज जरूर होती हैं, और प्लेन किराए पर देने वाली कंपनियां अपने क्लाइंट्स की पसंद और नापसंद का भी खास ध्यान रखती हैं, और कई बार तो इसमें क्लाइंट के फेवरेट रेस्टोरेंट से भी खाना मंगाया जा सकता है। बता दूं कि इन फ्लाइट्स में क्लाइंट के आराम और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कैबिन क्रू को खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, और साथ ही यहाँ उन्हें पैसेंजर की सुरक्षा का खास ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें एंटरटेनमेंट की कम सुविधाएं मिलती हैं, जबकि मिड साइज और हैवी जेट्स में बेहतर एंटरटेनमेंट की सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों अब आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि चार्टर फ्लाइट्स क्या होती है। वैसे आप में से कौन कौन चार्टर फ्लाइट में सफर करना चाहेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और ऐसी वीडियो से आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।